वेरी वेल वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं नासा के द्वारा डिस्कवर किया गया एक स्पेशल एक्सो प्लानट के बारे में, जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैबिटेबल जोन में है। इस पर्टिकुलर एक्सो प्लानट का नाम है TOI 715b। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका कारण यह है, इसका हैबिटेबल जोन और इसका वायुमंडल बिल्कुल हो सकता है अर्थ के जैसा, इसलिए इसको अर्थ नहीं कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है सुपर अर्थ। तो आइए इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सो प्लानट है, जिसको बोला जा रहा है TOI 715b, ये एक स्पेसिफिक एक्सो प्लानट है जो बिल्कुल वैसे ही हैबिटेबल जोन में है जैसे कि सूरज से कुछ दूरी पर हमारा अर्थ एक हैबिटेबल ऑर्बिट पर रोटेशन कर रहा है। तो वैसे ही उसके सौर मंडल से ये पर्टिकुलर एक्सो प्लानट एक निश्चित दूरी में, एक हैबिटेबल ऑर्बिट में या हैबिटेबल जोन पे ऑर्बिट कर रहा है। बट फर्क है क्या, ये खोजा कैसे गया? इसको खोज निकाला है नासा की स्पेस एजेंसी द्वारा, लॉन्च किया गया 2018 में एक स्पेशल सैटेलाइट जिसको बोला जाता है टेस, TESS। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये है आपका नासा का प्लानट हंटिंग ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट। तो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की मदद से अभी तक लगभग 5,000 एक्सो प्लानट्स को खोज निकाला गया है, जिसमें से लगभग 73 या 73 को तो कंफर्म भी कर दिया गया है। और इन 73 में से एक आइडेंटिफाइड, एक रेयर एक्सो प्लानट्स में बात की जाए तो उसमें ये है 700, आपका TOI 715b। अब ये जो एक्सो प्लानट है यहाँ पर क्या है, अगर इसकी साइज के कंपैरिजन की बात करें तो इसका साइज पृथ्वी से लगभग ये थोड़ा चौड़ा है। कितना? लगभग 1.5 गुना, तो 1.5 टाइम्स ये अर्थ से थोड़ा सा चौड़ा है। और इसे सुपर अर्थ ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका हैबिटेबल जोन, यहाँ का जो एनवायरमेंटल है या एनवायरमेंट है या इसका एटमोस्फेरिक कंडीशन है, वो बिल्कुल अर्थ जैसा या अर्थ से भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर वाटर वर्ल्ड भी हो सकते हैं या फिर पानी जैसे जो हैं, यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल देखी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ इनमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये बात की है क्या, जैसे कि हमारे सन के कंपैरिजन में इनके सौर मंडल, जहाँ पर ये परिक्रमा कर रहा है अपने सौर मंडल के सूरज की, तो इसका सूरज है कैसा? इसका जो सूरज है हमारे सूरज के, या हमारे सन जो एक टाइप का स्टार है, तो इनका जो सन या स्टार है वो कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, जिसे रेड ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है, और थोड़ा ठंडा है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को, क्योंकि कोई भी सन अगर जो ठंडा होता है किसी सोलर सिस्टम का, वो थोड़ा लाल लालिमा लिए होता है या आपका रेड हो जाता है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण इसके सौर मंडल में, इस पर्टिकुलर एक्सो प्लानट में लगभग तापमान थोड़ा ठंडा हो गया है, जो बिल्कुल हैबिटेबल जोन है जीवन के रहने लायक। तो ये सब चीज़ें इनमें देखने को मिल रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे अर्थ का जो रोटेशन, हमारे सूर्य का जो परिक्रमा करता है हमारे पृथ्वी, वो लगभग 365 या 366 दिन के आसपास ये परिक्रमा पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका एक्सो प्लानट है, वो अपने रेड डॉट स्टार के जो परिक्रमा करता है, वो बिल्कुल 19 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। तो ये थोड़ी बात यहाँ पर डिफरेंट होती है। और इसमें आगे देखा जाए कि जितने भी आपके जो टेस्ट है, कई प्लैनेट्स एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहा है, इनमें से बहुत सारे एक्सो प्लानट्स ऐसा है जो तो अर्थ के बिल्कुल साइज के जैसे हैं। इनमें से एक रेयर एक्सो प्लानट है जिसका नाम है TOI 700d। तो ये एक ऐसा प्लानट है जिसका तो साइज भी अर्थ के ही जैसा है। अब हमारे आकाशगंगा में लगभग ऐसा इमेजिन किया जाता है, एक संभावना है केपलर डाटा के अनुसार, कि लगभग 40 बिलियन यहाँ पर एक्सो प्लानट्स हो सकते हैं। और 40 बिलियन एक्सो प्लानट्स हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में है, और इनमें से लगभग इन्हें 5,000 को खोज निकाला है, और इनमें 73 को कंफर्म कर दिया है। 2024 के आसपास माना जाए 60 से अधिकतर जो एक्सो प्लानट्स है, इनको ये टेस्ट सैटेलाइट ने कंफर्म कर दिया है। अभी इस TOI के ऊपर रिसर्च चल रही है, TOI 715b, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, और यहाँ से आने वाली जो लाइट जो इस वेवलेंथ में आ रही है, उससे पता ये लगता है कि यहाँ पर पानी और वातावरण की संभावना है, और इसीलिए इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। दूसरे इसमें बात करें,
ये पर्टिकुलर जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि जितने भी ये जो हमारा पर्टिकुलर सैटेलाइट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट को जैसे कि मैंने बताया 2018 के आसपास ही लॉन्च किया गया था, और इसका मोटिव या इसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि होस्ट स्टार्स की ये खोज करे या ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करे जो हैबिटेबल जोन में हो। तो ये सब चीज़ अभी भी ये डिस्कवरी चल रही है और रोज़ इस पे रिसर्च चलते जा रही है और रोज़ नए नए एक्सोप्लैनेट्स को ये आपका पर्टिकुलर सैटेलाइट डिस्कवर कर रहा है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। कुछ और भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिसमें बात करें, AU माइक बी नाम का एक सैटेलाइट है, सॉरी AU माइक बी नाम का एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जिसको देखा गया है, और इसका साइज लगभग नेपट्यून का, जो हमारे सोलर सिस्टम में नेपट्यून नामक एक ग्रह है या आपका एक प्लैनेट है, उसी के साइज जितना ये पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट है। और एक सैटेलाइट के बारे में बात करें जो बिल्कुल नेपट्यून के साइज जितना ही है, जिसका नाम है LTT9779b। ये भी एक टाइप का एक्सोप्लैनेट है लेकिन इसका साइज नेपट्यून से थोड़ा ज़्यादा है। खास बात इसमें यह है कि इसके सौरमंडल में लगभग 2 सूर्य हैं और ये 2 सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जो एक खास बात है इसमें। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। हमारे जो नियरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, नियरेस्ट अगर कोई एक्सोप्लैनेट खोजा जाए जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे पास हो, तो ये पास में जो एक एक्सोप्लैनेट निकलता है वो बिल्कुल उसकी दूरी जस्ट 12 लाइट ईयर्स अवे है। तो ये 12 लाइट ईयर्स ही दूर है, प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने और जानने को मिलती है। फिर तो दूसरी बात ये कि हम इस प्लैनेट को या एक्सोप्लैनेट्स को खोज कैसे पाते हैं, उसका एक डेफिनेट फिनोमेना या एक कारण होता है, कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टार है, मान लीजिए हम अपने टेलीस्कोप या सैटेलाइट से किसी दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उससे आने वाली लाइट के कारण, मान लीजिए उनके स्टार की लाइट हमारे टेलीस्कोप तक या सैटेलाइट तक आ रही है और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनके सोलर सिस्टम में कोई भी एक्सोप्लैनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो अचानक उस स्टार के सामने आ जाए, तो उससे आने वाली जो लाइट है वो रुक जाती है, वो बाधित हो जाती है, और इससे हमको पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई एक्सोप्लैनेट एक्सिस्ट कर रहा है, और इस एक्सोप्लैनेट की साइज का भी अच्छा खासा हम पता लगा लेते हैं, और साथ में इसमें आने वाली जो लाइट की वेवलेंथ और इसके स्पेक्ट्रम के द्वारा हमको ये भी पता लग जाता है कि वहाँ पर कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ पर तापमान कितना होगा और वहाँ पर जीने जैसी संभावना है कि नहीं। तो इसी टेक्निक के द्वारा ये सब स्टडीज़ की जा रही हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।